वेलकम टू मैथ क्लास चैनल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है ए सेट ये और बी सेट ये ठीक है पहले तो हम राइट करेंगे यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है जो फाइंड करना है ठीक है ए इंटरसेक्शन बी है वो राइट कर लिया इक्वल टू ए हमारे पास ये है तो हम यहाँ पर राइट करते हैं कि ए में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं ए सेट में थ्री सिक्स नाइन देन ट्वेल्व देन फिफ्टीन देन एटीन दिन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर फिर हमारे पास क्या आ जाना है इंटर और यहाँ पर देख लो अगेन कि आपने सारे एलिमेंट्स राइट कर दिए अगेन अगेन आप भी चेक कर लिया करें कि कोई मिस्टेक तो नहीं होगी अच्छा ए पहले था ए सेट राइट कर लिया उसके एलिमेंट्स दैन इंटरसेक्शन का साइन है बी है तो बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं हम इधर राइट करते हैं क्या है फोर है देन एट है दैन ट्वेल्व है ये सारे इधर आइट करने हैं ठीक है न ट्वेल्व देन सिक्सटीन दैन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट एंड थर्टी टू और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना यहाँ पर करते हैं ठीक है इंटरसेक्शन हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन है ऐसे एलिमेंट्स हमने राइट right करने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है तो देखो सबसे पहले वन ना तो इस सेट में ना तो इस सेट में तो वन तो नहीं आएगा टू ना तो इस सेट में ना तो इसमें थ्री इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो हम राइट right नहीं करेंगे फोर इस सेट में है इस सेट में नहीं है फाइव दोनों सेट में ही नहीं है सिक्स इस सेट में है इसमें नहीं है सेवन एट ए सेवन नहीं है एट इधर है नाइन इधर है टेन नहीं है दोनों में नहीं है अलेवन भी दोनों में नहीं है ट्वेल्व अब इधर भी है इधर भी है तो जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं ना तो हम ये देखते हैं दोनों सेट्स में जो कॉमन है ना जो इस सेट में भी है इस सेट में भी है, में भी है दोनों में सेम है कॉमन है वो राइट करना है तो ट्वेल्व इधर भी है इधर भी है तो जस्ट हमने ट्वेल्व राइट कर दिया उसके बाद देखो और कोई है फिफ्टीन नहीं इधर सिक्सटीन है एटीन है एटीन इधर नहीं है फिर ट्वेंटी वन इधर है तो ट्वेंटी वन इधर नहीं है फिर ट्वेंटी फोर इधर है तो ट्वेंटी फोर इधर भी है तो ट्वेंटी फ़ोर भी आ जाएगा ठीक है तो ये जस्ट टू नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है ट्वेल्व भी इधर भी है इधर भी है और जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी फ़ोर है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो हमने इंटरसेक्शन फ़ाइंड किया बिटवीन टू सेट्स तो वो हमारे पास ये आया अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आपको फाइंड करने को करती हूँ तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपके पास इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ रहा है यूनियन में हमारे पास ये होता है कि ये इंटरसेक्शन है ना यूनियन में हमारे पास होता है सीकेंस हम राइट कर रहे होते हैं देखिए ये देखें यूनियन में हम सीक्वेंस से राइट करते हैं ए यूनियन बी फाइंड करना है एक का ए लिखा सेट देन यूनियन का साइन आ गया बी सेट राइट किया सीक्वेंस से हमने जो है ना राइट कर लेना अल्फाबेटिकली ए दोनों सेट में है तो राइट कर लिया ठीक है और टू टाइम्स से, है मतलब सेट में भी सेट में टू टाइम्स ही राइट करना वन टाइम राइट करना इधर भी इधर भी।, भी ए राइट कर लिया बी इस सेट में राइट कर लो उसके बाद बी के बाद सी आता है सेट में राइट कर लो डी ना तो इसमें ना तो इसमें ई e, इसमें मिल रहा है फिर आई ओ यू ठीक है ना तो हम यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो इस सेट में भी इस सेट में भी सीक्वेंस है और जब इंटरसेक्शन होता है तो उसमें जस्ट हम कॉमन लिखते हैं कि जो दोनों में दोनों सेट्स में हैं तो वो जस्ट वो राइट करने होते हैं चले हम अब लेते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू फाइव देन टेन देन फिफ्टीन ठीक है और हम यहाँ पर ले, ले लेते हैं कि बी सेट अगर हम ले लें बी सेट हम कह देते हैं कि हमारे पास है नाइन देन टेन देन ट्वेंटी के इक्वल तो आपने मुझे ना कमेंट में बताना है कि आपके पास ए B बी इक्वल होगा ठीक है ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन देखना जो होगा वो आपने मुझे कमेंट में बता देना कि इसका ये कॉमन है फिर मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है कि नहीं तो इस तरह से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन इस तरह से फाइंड करते हैं यूनियन भी मैंने आपको दिखा दिया दे। वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्ले में जाओ सेट्स के नेम से प्ले लिस्ट है आप पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी सेट्स के अबाउट कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं देन जो इंटरसेक्शन यूनियन पावर कैसे पावर सेट कैसे राइड करते हैं सब सेट होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक